दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट क्या है और ये किस तरह से काम करती है और इस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। उससे पहले जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारा छोटा सा कोई बिजनेस है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और उसको लेकर आते हैं अपनी शॉप पर। फिर हम उसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये का उसको ख़रीदा है, 100 रुपये का ख़रीदने के बाद में हमने उसको 120 रुपये में बेच दिया। अब क्या हुआ कि वो 20 रुपये का वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अब उसी प्रोडक्ट को अगर हमने 100 प्रोडक्ट को हमने बेच दिया तो 100 × 20 मतलब 2000 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट निकल कर सामने आ जाता है। तो सेम इसी तरह से क्या है कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ शेयर्स लेने होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको आप परचेज करते हैं या आप उनको सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी के हिस्सेदार बनते ही अब आप वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी आपका क्या होगा, आपका भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, ठीक है, आपके पैसे का प्रॉफिट होगा, पैसा बढ़ेगा। बट अगर कंपनी यहाँ पर लॉस में जाती है तो आपका भी पैसा लॉस में जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम कंपनी के शेयर्स को लेते हैं, हम उसके एक हिस्सेदार एक पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर बनने के बाद में हम उनके शेयर्स को बेच सकते हैं और सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। तो यही हो गया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक्चुअली दो चीज़ों पे, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो मार्केट होती हैं। प्राइमरी मार्केट होती है जिसे हम IPO बोलते हैं। IPO के बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि IPO क्या है और किस तरह से काम करता है, ठीक है, IPO क्यों लॉन्च किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट जो होती है, वहाँ पे जब हम IPO लॉन्च करते हैं, IPO लॉन्च करने के बाद में जो शेयर्स होते हैं कंपनी को, वो तो सेकेंडरी मार्केट में हम सुबह जो 9:15 से 3:15 की जो मार्केट होती है, वहाँ पे हम जाके बेचते हैं और ख़रीदते हैं, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, और यहाँ पे अगर हम, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लर्निंग करनी होती है। एक डॉक्टर भी बिना प्रैक्टिस के और बिना पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बनता है, उसको भी पढ़ाई करनी होती है 8 से 10 साल, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसके बारे में सीखना होगा, जानना होगा, उसके बाद इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप यहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।